सबसे पहले सॉरी सॉरी इसलिए कि मैं अपने वीडियो सीक्वेंस वाइज नहीं बना पा रहा, आप मेरे से ही परिचित नहीं हैं और मैंने बहुत सारे व्लॉग्स डाल दिए, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई 2021 के जाते जाते आपसे रूबरू हुआ जाए। ठीक है, मैंने माय फर्स्ट व्लॉग में इन्फ्लुएंस भले किया है ना, लेकिन अपने बारे में नहीं बताया, तो ये वीडियो मेरे बारे में होने वाली है। पिछली सारी वीडियोस मैंने एंटरटेनमेंट के लिए, हाँ भाई मेरे सीखने के लिए, तो मुझे पता नहीं था कि सीक्वेंस क्या होता है ना, मैंने अपना परिचय नहीं दिया, अपने बारे में ही कुछ नहीं बताया और सीधा व्लॉग शुरू कर दिया, मेरी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, उस गलती को सुधारने के लिए मैं आ गया हूँ, है ना, तो चलो परिचय शुरू करते हैं। हाँ तो यार, आप सभी को मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम है सौरभ, ये रहा मैं, और मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित एक छोटे से शहर डोंगरगढ़ से हूँ। हाँ भाई, वही डोंगरगढ़ जिसे धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। डोंगरगढ़ में माता बम्लेश्वरी जी का मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसके कारण डोंगरगढ़ धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। मैं 19 साल का हूँ और हाँ भाई 12th पास आउट हूँ, मैंने इस स्कूल से 12th पास आउट, और हाँ भाई मैंने अपने 12th की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ से की है, तो उसकी जो दास्तां है ना वो इतनी ज़्यादा लंबी है, तो ज़रा ठहरिए, सब्र कीजिए थोड़ा, है ना, फुर्सत से बताते हैं उसको भी। और यार जैसा कि मैंने बताया कि मैं 12th पास आउट हूँ, बट ये नहीं बताया ना कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है। भाई मेरा सब्जेक्ट ये है जहाँ ना एजम्पशन होता है ना रिएक्शन, सिर्फ लगते हैं सॉल्यूशन। ठीक है यार, मैं अभी बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ, ये जो मेरा टेबल है इसी में मेरा पूरा दिन गुजरता है यार, लगभग पूरा दिन मैं इसी टेबल पे गुजारता हूँ, अपने सारे काम बस यहीं बैठे बैठे करता हूँ। और 12th पास आउट होने के अलावा और बीकॉम करने के अलावा मैंने कुछ खास तो किया नहीं है। अरे हाँ हाँ, मुझे थोड़ी बहुत लाइनें लिखने का शौक़ है भाई, तजुर्बा नहीं है, ठीक है, और शायर भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, ये रही कुछ मेरी लाइनें। मुझे ना फ़ोटोज़ क्लिक करने का भी शौक़ है, कभी कभी कर देते हैं, तो सामने आपको दिखेंगे फ़ोटोज़, तो आप इंस्टाग्राम में भी जाकर मेरे फ़ोटोज़ और शायरियाँ देख सकते हो। भाई बिल्कुल जाइए इंस्टाग्राम में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक दिन मैं बैठा था यार, और देखते देखते लॉकडाउन हो गया और मैं घर में रह के पूरी तरह खुद में फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मुझे कुछ नया करना था, मैं कुछ नया करने की चाहत थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब मुझे ये व्लॉगिंग का शौक़ चढ़ा, है ना, मुझे कुछ नया और कुछ यूनिक करना था जो मुझे आता हो, और ये वीडियो एडिटिंग और ये सब का शौक़ मुझे बहुत पहले से था। तो भाई और क्या, फ़ोन पकड़े और निकल लिए। और मुझे सच में नहीं पता था कि मैं वीडियोस बनाकर डालूंगा भी कि नहीं डालूंगा। और हाँ भाई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं वाकई में वीडियोस डालूंगा कि नहीं डालूंगा, पर मैं आज खुश हूँ कि मैंने वीडियोस डाले और आज मैं आप सभी के सामने हूँ। हाँ तो भाई, ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा और मस्त सा परिचय। ठीक है, अब आपको मुझे जानने में आसानी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। हाँ तो यार, मैंने सोचा कि 2021 के जाने से पहले आप सभी से रूबरू होना तो बहुत ज़रूरी है ना, इसीलिए मैंने ये परिचय वीडियो बनाया, और बाद में आने वाले समय में जब मैं इसी वीडियो को देखूंगा, है ना, तो मुझे कितनी जान, और यार ये वीडियोस जब मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा और आने वाले समय में जब मैं इसे दोबारा देखूंगा, है ना, तब मुझे कितनी खुशी होगी, है ना, तो बस इसीलिए वीडियो 9 वर्ष के तौर पे मेरे लिए एक छोटा सा तोहफा है, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल तोहफा बनेगा आने वाले समय में। तो भाई आपने मेरे बारे में जान लिया, ठीक है, और पर आप मेरी वीडियोस देखने क्यों आएंगे बताइए, आप मेरी वीडियोस देखने क्यों आएंगे? नहीं नहीं भाई, नहीं बताता हूँ, ठीक है, तो भाई मुझे ना जो भी चीज़ें लगेंगी शेयर करने लायक वो मैं इस मेरे चैनल पर करूँगा, है ना, जैसे व्लॉग्स, ट्रैवल वीडियोस, है ना, और सबसे मेन चीज़ इसमें होगी मैं, मेरी बातें और मेरे विचार। तो मैं चाहता हूँ यार कि जो मेरे आसपास में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही होंगी ना मेरे साथ, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगेंगी, उन चीज़ों को ना मैं समेट के रखना चाहता हूँ, बांध कर ना एक मेमोरी कार्ड में डाल देना चाहता हूँ, है ना,
ताकि भाई हमारे आने वाले कल को भी पता चले, है ना? समझ रहे हो? और उस मेमोरी कार्ड का नाम है यूट्यूब। और इसी के साथ आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कहकर आपको बधाइयां भी दे देते हैं, ठीक? तो आपका ऐसा ही प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाइए, है ना, बनाए रखिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नाम तो याद है ना? हाँ, याद रखिएगा। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।